आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बीच मुकाबला खेला गया, जिसे बैंगलोर टीम ने 7 विकेट से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करने आई मुंबई इंडियंस टीम की शुरुआत सदी हुई रही। ईशान किशन ने 26 रनों का योगदान दिया तो वहीं रोहित शर्मा भी 26 रन बनाकर ही आउट हुए। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों में 68 रन बना दिए, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके भी शामिल थे। बात करें गेंदबाजी की तो बैंगलोर टीम की तरफ से वनिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। साथ ही हर्षल पटेल ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर के 2 विकेट निकाल लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की अगर बात करें तो फैफ डुप्लेसी ने 16 रन बनाए। अनुज रावत ने आज 47 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनका साथ बखूबी निभाया विराट कोहली ने, जिन्होंने 36 गेंदों में 48 रन बना दिए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने 2 गेंदों में 2 चौके लगा करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस मैच में 7 विकेट से जिता दिया।